अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे चिकन शवरमा रेसिपी। चलिए, बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। चलिए होममेड शवरमा बनाकर देखेंगे। अब क्या करेंगे, आधा किलो मैदा है ये, मैदा ले ली मैं 500 ग्राम। मैदे में देखिए नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। ये देखिए बेकिंग सोडा है, ये भी ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून। ये देखिए दही है 3/4 टेबल स्पून। 100 ग्राम तक दही है ये हमारा। अब क्या करेंगे, अच्छे से पूरा आटे में मिक्स कर लेंगे पूरे इंग्रेडिएंट्स। अब क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून के करीब। अब अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैं आटा गूंद लूँगी। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमारे को एक अच्छा स्मूथ सा डो बना लेना है आटे का। देखिए बनकर रेडी हो गया हमारा डो। एक साइड में रख लूँगी एक आधे घंटे के लिए। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे ऊपर से, ताकि एकदम स्मूथ रहे हमारा आटा। बस एक आधे घंटे तक रेस्ट के लिए साइड में रख देना है। अब क्या करेंगे, एक बॉल ले लेंगे। एक बॉल में देखिए थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ऑयल है हमारा ये। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। और ये नॉर्मल लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, ये ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। नमक है अपने हिसाब से ऐड कीजिए आप लोग 1 टीस्पून। बिल्कुल 2-3 चुटकी के करीब हल्दी पाउडर है। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून। अब देखिए काली मिर्च पाउडर है ये, एकदम 1/2 टीस्पून है। अब देखिए 2-3 चुटकी के करीब थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दी मैं। अब क्या करेंगे, दही ऐड कर देंगे। ज़्यादा ऐड करना नहीं है, 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे दही। अब देखिए इस बेस पे क्या करना है, मैदा ले लेंगे 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून मैदा ले लेंगे। अब इस पूरे मसालों को अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए एकदम लूज़ होना नहीं है ये पूरा अपना बैटर, मसाला जो है ऐसे ही रहना है, एकदम गाढ़ा सा थिक। थोड़ा सा मैं और ज़रा दही डाल दी, बिल्कुल एकदम थिक हो गया ये। देखिए अभी भी देखिए थिक ही है, थोड़ा सा मैं दही डाल दी 2 टेबल स्पून, आप लोग भी ऐड कर सकते। बस अब अच्छे से पूरा मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये बोनलेस चिकन ले ली मैं, इस टाइप से पतले पतले स्लाइस कट कर लेना है। पूरे चिकन इसमें ऐड कर देंगे, ये भी 500 ग्राम चिकन है, बोनलेस चिकन हमारा। ये भी पूरे इसमें ऐड कर दूंगी मैं। पूरे मिक्स कर लेना है, पूरा चिकन डालकर अच्छे से पूरा मैरिनेट कर लेंगे चिकन को मसालों में। देखिए पूरा मिक्स कर लेंगे,
बराबर हुआ हमारा मसाला चिकन को, इस टाइप से हो जाना है। अब क्या करूँगी मैं, एक घंटे के लिए रेस्ट के लिए चिकन और जो आटा अपन भिगा के रखे थे उसको रख दूँगी रेस्ट के लिए एक घंटे के लिए। अब एक घंटे के बाद मिलते हैं अपन। देखिए एक घंटे के लिए रख दूँगी मैं। अब क्या करेंगे देखिए, टमाटर सॉस है, एक बॉल में डाल देना है। टमाटर सॉस डाल दी मैं। अब देखिए इसमें ही मेयोनीज डाल देंगे टमाटर सॉस में, एक 2 टेबल स्पून मेयोनीज डाल देंगे टमाटर सॉस में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए एक अलग से सॉस बनकर रेडी हो गया हमारा। ये देखिए शवरमा सॉस ये बनकर रेडी हो गया हमारा। बस एक साइड कर लूँगी अच्छे से मिक्स कर लेके। ये एक साइड में रख लेना है। अब क्या करेंगे, टमाटर सॉस ऐड कर देंगे एक बॉल में। देखिए मेयोनीज टमाटर सॉस है और ये अपन मिक्स करे थे मेयोनीज और सॉस, ये भी है, तीन को एक साइड में रख लूँगी मैं। अब एक पैन ले लेंगे, पैन अच्छे से हीट होना है, ऑयल डाल देंगे। एकदम डीप फ्राई करना नहीं है अपने को, चिकन को फ्राई करना नहीं है ज़्यादा, एकदम से शेलो फ्राई करना है। अब देखिए मैरिनेट किया हुआ चिकन एक घंटा हो गया हमारा। अब इसमें एक एक पीस ऐड कर दूँगी मैं, मीडियम फ्लेम रखना है, एक एक पीस ऐड कर देते हुए। इस टाइप से ही पूरे रख लेना है, जितना आपके पैन में पीसेस आते उतने ही रखना है। मीडियम फ्लेम रख लीजिए। देखिए एक साइड हो गए हमारे, अब एक साइड मैं फ्लिप कर लूँगी। देखिए हमारे 2 मिनट तक इस टाइप से ही मीडियम फ्लेम पे रखना है, फ्लिप कर ली मैं। देखिए अच्छे से हो गया हमारा चिकन भी, एकदम सॉफ्ट से गल गया। इस टाइप से कलर आ जाना है चिकन का हमारे। चलिए दो तरफ भी होने के बाद निकाल देना है। अब देखिए अच्छे से फ्राई हो गया चिकन हमारा। देखिए पूरे पीसेस निकाल लूँगी मैं। अब पूरे पीसेस निकाल लेना है और अच्छे से गल गया हमारा चिकन। देखिए मैरिनेट जो करे थे अपन एक घंटे के लिए रख दिए थे रेस्ट के लिए, उसमें ही फ्राई कर देते ना, उसमें अच्छे से गल जाता हमारा चिकन। अब देखिए और थोड़े से पीसेस है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी मैं, थोड़े से ऑयल में। ये बस पूरे ऐड करके फ्राई करके बताऊंगी आप लोग को। देखिए बाकी के बच्चे सो पीसेस भी मैं ऐड कर दी। अब क्या करेंगे, जो फ्राई करे थे ना पीसेस वो अच्छे से ठंडे हो जाना है। ठंडा होने के बाद देखिए एक चाकू की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे अपन चिकन को। इस टाइप से बिल्कुल बारीक से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पूरे कट करके एक साइड में बर्तन में रख लूँगी मैं, एक प्लेट में। देखिए पूरे पीसेस करके बताऊँगी आप लोग को, बिल्कुल छोटे छोटे इस टाइप में कर लेना है। देखिए हो गए हमारे पीसेस रेडी चिकन के। अब देखिए ये आटा है जो अपन एक घंटे के लिए रेस्ट को रख दिए थे, इस टाइप से पेड़ा बना लेना है, गिरदे पर रख देना है, थोड़ा सा डस्ट कर लेना है आटा, सूखा आटा। अब राउंड राउंड में एक अच्छी पतली सी रोटी डालना है, मोटी डालना नहीं है, बिल्कुल पतली सी रोटी आना है। इस टाइप से राउंड में बेल लीजिए आप लोग।
देखिए हो गई हमारी अच्छी सी गोल रोटी। देखिए बनकर रेडी हो गई हमारी रोटी। अब क्या करेंगे, तवे को मैं गरम करने के लिए रख दी थी। देखिए इसमें ऐड कर देंगे, इसमें डाल देंगे अपन रोटी को। एक साइड हो गई हमारी रोटी, एक साइड पलटा लेंगे। और ज़्यादा सेकना नहीं है ये रोटी को, इस स्टेप से ही थोड़ा सा लाइट लाइट कलर आना है। देखिए अगर ज़्यादा सेकेंगे तो कड़क हो जाती रोटी, एकदम स्मूथ रोटी होना है हमारे को। मैं देखिए जैसे रुमाली रोटी रहती उस टाइप में रहना है। देखिए बस अब निकाल लूँगी मैं, बस ज़्यादा नहीं सेकना है। इस टाइप से हो गई हमारी रोटी, निकाल दूँगी मैं। अब देखिए ये गोभी, प्याज, गाजर और चिकन फ्राई करे हुआ, ये जो आप लोग को बताई थी मैं सॉसेस, मेयोनीज और रोटी। अब क्या करेंगे, रोटी को रख दी मैं। अब देखिए सेंटर में चिकन जो अपन फ्राई करे थे वो इसमें रख देंगे, बीच में। इस टाइप से पीसेस कर लेना है चिकन के, पूरे अच्छे से बीच में रख देना है चिकन को रोटी में। देखिए जो अपन सॉस बनाए थे मेयोनीज और टमाटर सॉस बना मिलाकर, वो इस पे ऐड कर देंगे। देखिए अब टमाटर सॉस ऐड कर देंगे। अब देखिए मेयोनीज ऐड कर देंगे। अगर आप लोग को ज़्यादा पसंद है मेयोनीज, ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं आप लोग। मैं भी ज़्यादा क्वांटिटी ली, थोड़े से गाजर है वो भी ऐड कर देंगे। देखिए घर में ही बनाकर ट्राई कीजिए आप लोग होममेड मेयोनी, होममेड शवरमा। गोभी है ये, गोभी भी ऐड कर दी मैं, और थोड़ी सी प्याज है एकदम बारीक से चॉप कर ली। अब फोल्ड कर लेंगे, फिर थोड़ी सी मेयोनीज ऐड कर देंगे। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब क्या करेंगे, इस टाइप से फोल्ड कर देना है, फिर एक साइड से फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब एक टिश्यू पेपर या बटर